दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं केसीसी टी20 एलाइट चैंपियनशिप का जो 10th मैच खेला जाने वाला है, स्टैक सीसी वर्सेस वाईएससीसी के बीच, उसके मैच फ्यूचर्स एनालिसिस। एसटीए वर्सेस वाईएसएस, ये दो टीम्स के बीच मैच होगी। तो दोस्तों, बात क्या है कि देखिए, केसीसी टी20 एलाइट चैंपियनशिप में बहुत ही अच्छा विनिंग चल रहा है। तो अगर आपको भी विनिंग करना है और आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो, तो आप यहाँ पर बहुत ही गलत कर रहे हो। आप अभी जाइए टेलीग्राम पर जाके टारगेट इन फैंटेसी लिख के सर्च करो और हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लो। तो गाइस देखिए, जब आप सर्च करोगे वहाँ पर आपको 2000 प्लस सब्सक्राइबर वाला जो चैनल मिलेगी, वो चैनल आपको ज्वाइन करना है। लेकिन वहाँ पर चांसेस रहता है कि आपने फेक चैनल ज्वाइन कर लिया हो, मतलब कि 10K 20K बहुत सारा फेक चैनल बन चुका है। तो इसलिए आपको अगर सेफ जाना है, मतलब सेफ तो आपको जाना ही है, हमारा ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना है तभी आप विनिंग कर पाओगे, तो आप डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पर आपको क्लिक करना है, तब क्लिक कीजिए और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो हमारा ओरिजिनल चैनल है। साथ में कहते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, मैच की बात करेंगे, आप देखिए ये मैच होगी आज रात को 11:30 बजे। मतलब आज ये लीग का 3 मैचेस है, एक है शाम को 4:30 बजे, दूसरा है शाम को 7:00 बजे 7:30 बजे, और तीसरा होगा ये रात को 11:30 बजे। सुलभ रहे क्रिकेट ग्राउंड, सेमी फाइनल रहेगा, इधर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। दोस्तों, पिच की बात करें, बैटर फ्रेंडली पिच है और एवरेज स्कोर यहाँ पर बन रहा है 160 प्लस। लेकिन बात क्या है कि दोस्तों देखिए, फास्ट इनिंग्स में 200 प्लस रन्स हमेशा चल रहा है। दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फोटो भी हम दिखाएंगे यहाँ पर, तो चलते हैं फोटोज़ के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ ग्राउंड्स की फोटोज हमने निकाली है, मतलब मैच के टाइम फैन कोर्ट से ही निकाला। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कुछ ड्रोन के ऊपर पिक्चर्स है। यहाँ पर बाउंड्री डायमेंशन आप देख सकते हो, सेंटर से यहाँ पर 65 करके कुछ यहाँ पर लेंथ निकल कर आते हैं। दोनों ही यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्री 65 मीटर्स का है और स्टेट बाउंड्री भी यहाँ पर 65 मीटर्स का है। और गाइस, आपको यहाँ पर पिच दिखाएंगे, देखिए तीन पिचेस है, एक है सेंटर वाला, बाकी यहाँ पर दोनों साइड में है। कल मैच हुआ था यहाँ पर साइड वाले पिच पर मैच हुआ था, लेकिन उससे पहले दिन यहाँ पर सेंटर वाले पिच पर मैच हुई थी। तो गाइस देखिए, जब सेंटर वाले पिच पर मैच होगी वहाँ पर भी रन्स बन रहा है, जब साइड वाले पिच पर मैच हो रहा है तो वहाँ पर भी रन्स बन रहा है। मतलब यहाँ पर तीनों ही पिच, लास्ट का छोड़ दीजिए, वो जब हम मतलब देखेंगे वहाँ पर उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी आप समझिए कि तीनों ही पिच जो है बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। रन्स यहाँ पर बन रहा है तो 200 के आसपास, 200 प्लस भी चल रहा है कभी कभी, लेकिन विकेट्स मैक्सिमम यहाँ पर देखिए 5 से लेकर 6 तक गिर रहा है, कभी भी 10 विकेट ज़्यादा नहीं गिर रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैटर्स ऑलराउंडर्स को लेके ही टीम बनाना पड़ेगा। तो बस अभी चलेंगे, देखिए दोस्तों आज का मैच प्रेडिक्शन क्या रहेगा। एसटीए 50% विनिंग चांसेस, यहाँ पर वाईएसएस 50% रहता, मतलब दोनों ही टीम्स, देखिए हमने यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मतलब चांसेस जितना रहेगी दोनों ही टीम यहाँ पर अच्छा करने वाले, तो इसलिए दोनों की विनिंग चांसेस सेम है। और वैसे ही देखिए गाइस, देखिए पहला वाला मैचेस चल रहा है, यहाँ पर किसी भी टीम यहाँ पर बाउंस बैक भी कर सकते हैं, जो कि लास्ट मैच हार के आ रहा है या फिर जो भी लास्ट में जीत के आ रहा है यहाँ पर हार भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पहला कुछ मैचेस में हमने उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। अब हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए इस वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग एक्साई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ दोस्तों, एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है। साथ में दोस्तों, हम आपको बताएंगे प्लेयर्स की जो रिसेंट परफॉर्मेंस, लास्ट मैच परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा आपके लिए दोनों टीम की तरफ से। उसी के साथ दोस्तों, हम एंड में जाके एक स्मॉल लीग का डेमो टीम भी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलिए, यहाँ पर आप एंड तक वीडियो को पूरा देखिए, ताकि एक एक पॉइंट जो हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप एक अच्छी टीम बना सके और बहुत ही अच्छी विनिंग कर सके। दोस्तों, हम आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आप टीम को कॉपी मत करो, टीम को देखो, अगर आपको पसंद आए तो वहाँ से कुछ प्लेयर्स को कलेक्ट करो या फिर कुछ सेशन लो जो हमने वीडियो में बताते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से ही कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद की टीम पर अप्लाई करो। कॉपी मत करो, कॉपी करने से मतलब कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एसटीए की तरफ से बात करेंगे, नौमान शाहिद कप्तान है, टीम का ओपनिंग करने वाले हैं नवाब अहमद के साथ। दोनों ही देखिए लास्ट मैच पर बिल्कुल अच्छा नहीं चले बैटिंग से नवान शायद, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है नवाब अहमद, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर रहा है, एक रन विकेट लेस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर रहा है। और उसी के साथ देखिए दोस्तों, बैटिंग ओपनिंग पर आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नवान शायद ने 0 पर आउट हुए थे। दोस्तों नंबर 3 पर आने वाले विनोद मथिया लगन विकेट कीपरिंग सेशन पर रहने वाले हैं, 17 रन किया है। नंबर 4 पर आएंगे दोस्तों अनिश इकबाल, 6 रन बनाया। नंबर 5 पर आने वाले देखिए जंदू हमाउद, 12 रन विकेट लेस गए। विक्रांत गुप्ता आएंगे नंबर 6 पे, 26 रन बनाया। 7 नंबर पर आएंगे दोस्तों अब्दुल हसीब, 6 रन विकेट लेस।
सलमान अरुल 3 रन, बैटिंग से अच्छा कुछ नहीं कर पाए, 8 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, लेकिन देखिए दोस्तों बॉलिंग करके 3 विकेट निकाला जो कि एक बहुत अच्छी बात है। रियाज मासूरकर 6 रन, 1 विकेट निकाला। नवीद फाकर 1 रन, उसी के साथ विकेटलेस गए। आरिफ लतीफ यहाँ पर डक पे आउट हुए। दोस्तों अब हम अभी देख लेंगे एसटीए की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए फिलहाल बेस्ट चॉइस रहने वाला है। देखिए विनोद मतियागलन लगन, जंदू हमूद, नवाफ अहमद 3 हो गए हैं, अब्दुल हासिब को ट्राई कर सकते हो, सलमान अरुल रहेगा, मासूरकर। दोस्तों फिलहाल ये 6 प्लेयर्स अच्छा चॉइस रहने वाला है आपके लिए, और उसी के साथ आप यहाँ पर आरिफ लतीफ़ अगर बॉलिंग करें तभी रहेगा ना, नहीं तो आप नवीद फ़खर के साथ भी जा सकते हो। अब हम दोस्तों यहाँ पर ओआईएसएस की टीम के बारे में बात करेंगे। देखिए भुजी बाबू रपका ओपनिंग करने वाले हैं नलाका डयान के साथ। देखिए भुजी बाबू रपका, इनके बारे में बात करें, लास्ट मैच पर 10 रन बनाया और नलाका डयान ने यहाँ पर 5 रन, 7 में वो विकेटलेस गए। दोस्तों बात क्या है कि यहाँ पर नलाका डयान जो है अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे साइन है। मतलब अगर इस मैच में भी इनको बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से मौका मिले, अच्छा कर सकता है, तो एक अच्छी बात है। नंबर 3 पर आएंगे दोस्तों मोहम्मद सिमसन, 28 रन, 7 में 4 विकेट निकाला, तो बहुत बढ़िया आपके लिए कैप्टनसी के इस मैच पर बनेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट मैच पर कितने बेहतरीन तरीके से 4 विकेट निकाला, उसी के साथ 28 रन भी बनाया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 4 नंबर पर आने वाले दोस्तों आतिफ गफूर 11 रन किए हैं। नंबर 5 पर हसन मियां काजी 60 रन किए लास्ट मैच में, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन के चॉइस इस मैच पर रहेगा। सियाल हक शरीफुद्दीन 9 रन, 1 विकेट निकाला, 6 में 6 पर बैटिंग करके। गेमा के चंदना 4 रन, 2 विकेट निकाला, नंबर 7 पर बैटिंग करने आए थे, जो बॉलिंग ऑलराउंडर ये खेल रहा है इस मैच में, और देखिए अच्छा कर सकते हैं, बॉलिंग भी करेंगे, पूरे 3 से लेकर 4 ओवर तक डालेंगे। और दोस्तों नंबर 8 पर आएंगे सुरंगा गोम्स, जो कि टीम का कप्तान भी है, 1 रन उसके साथ विकेटलेस गए, बॉलिंग करें। नंबर 9 पर आएंगे ए रसुद्दीन, इनकी कोई रिसेंट परफॉर्मेंस नहीं रहे, 2 रन। अजीत अंग नंबर 10 पे 2 विकेट निकाला, प्रॉपर बॉलर है। नंबर 11 पर निवरस 2 रन, दोनों ही यहाँ पर देखिए मीडियम पेसर है, तो अच्छा कर सकते हैं, आपके लिए मस्ट पिक रहने वाला है। दोस्तों ओआईएसएस टीम की तरफ से हम देखेंगे यहाँ पर कौन से प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहना चाहिए। देखिए नलाका डायन को आप ट्राई कर सकते हो, मोहम्मद सिमसन मस्ट पिक, हसन मियां काजी, आतिफ गफूर, इन 4 में से आपको पिक करना ही है मस्ट पिक। यहाँ पर सियालक सरीफुद्दीन रहेगा, गमा के चंदना होगा, यह 6 चॉइसेस, बाकी दोस्तों यहाँ पर 2 रन अजीत 7वां चॉइस, तो ये 7 प्लेयर्स आपके लिए फिलहाल बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं मेरे हिसाब से। अभी दोस्तों हम बात करेंगे स्मॉली के लिए कौन कौन से प्लेयर बेस्ट और कॉमन कैप्टन से बेस्ट चॉइस में रहेगा। देखिए मोहम्मद सिमसन है, हसन मियां काजी, सलमान अरुल, विक्रांत गुप्ता, ये 4 प्लेयर्स जो है आपके लिए स्मॉली की टीम पर या फिर ग्रैंडली की टीम पर बेस्ट कैप्टन से बेस्ट चॉइस पर रहेगा और कॉमन कैप्टन से बेस्ट चॉइस पर रहेगा। तो गाइस आप कोशिश करना कि इनके साथ ही स्मॉली पर कैप्टन बेस्ट कैप्टन जाने का। और बात करें देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडली चॉइसेस की, नवाफ अहमद, अनीस इकबाल, आतिफ गफूर, नलाका डायन, ये 4 प्लेयर में से आप 1 से लेकर 3 तक जीएल के लिए अलग अलग टीम पर कॉम्बिनेशन बनाने में ट्राई कर सकते हो, या फिर इनमें से कोई 2 को रिस्की कैप्टनसी मैच के चॉइस पर भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों दोनों तरीके का चॉइस है, कौन सी चॉइस पर जाओगे वो आपके ऊपर है। फिलहाल दोस्तों ये रहेगा आपके लिए स्टैट्स एनालिसिस की बात, अभी हम चलेंगे ड्रीम इलेवन की तरफ, वहाँ पर हमने फिलहाल एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा फाइनल टीम रहेगा, जिस टीम के साथ हम खेलेंगे और विनिंग करने वाली टीम अगर आपको चाहिए, फाइनल टीम अगर आपको चाहिए, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ, लिंक में क्लिक करो और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी चलते हैं डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर विकेट कीपिंग ऑप्शन पर फिलहाल आपको मिलेगी 3 प्लेयर्स, वी मतिया लगन, मोहम्मद अयाजुद्दीन और ए गफूर। तो यहाँ पर हम पिक करेंगे मतिया गलन लगन और ए गफूर, दोनों ही बेस्ट चॉइस रहेगा विकेट कीपरिंग सेक्शन पर, और बैटिंग में अच्छा कर सकते हैं इस मैच में भी। और बैटिंग सेक्शन की बात करें दोस्तों मोहम्मद सिमसन है, एन शायद और साथ में पर एच काजी, तीनों बेस्ट चॉइस हमारी टीम पर फिलहाल रहने वाला है। बाकी पर देखिए विक्रांत गुप्ता को यहाँ पर 93% लोगों ने पिक भी किया, लेकिन हमने फिलहाल इनको पिक नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ ये तीनों के साथ ही जाएंगे, क्योंकि देखिए गाइस ऑलरेडी हमने विकेट कीपरिंग सेक्शन में दोनों को पिक कर लिया। और बाकी यहाँ पर देखिए ऑलराउंडर्स की तरफ चलेंगे, एन डायन रहेगा, एच जानलू, उसी के साथ दोस्तों देखिए एन टूवान, तो ये 3 प्लेयर्स फिलहाल हमारे लिए ऑलराउंडर सेक्शन पर रहेगा। बॉलर्स की बात करें एस अरुल, सुरंगा गोम्स और जी चंदना, और हमारे टीम का फिलहाल कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा, एम सिमसन और उसके साथ वाइस कैप्टन रहेगा दोस्तों एच जानलू। सेव करके दोस्तों आपको प्रीव्यू दिखाएंगे, प्रीव्यू में थोड़ा सा ग्रैंडली के बारे में डिस्कस कर देते हैं। ए गफूर और वी मतिया लगन दोनों रहेगा विकेट कीपरिंग सेक्शन पर। बैटिंग की बात करें एम सिमसन, एन शायद, एच काजी, तीनों बैटिंग में परफेक्ट चॉइसेस। ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों एच जानलू, एन डैन, एन टूवान, 3 बेस्ट ऑलराउंडर चॉइस। और बॉलर्स में देखिए सलमान अरुल यहाँ पर, सुरंगा गोम्स और यहाँ पर जी चंदना। दोस्तों कैप्टन रहेगा हमारी टीम का देखिए एम सिमसन, वाइस कैप्टन रहने वाले हैं एच जानलू। आप ग्रैंडली के लिए इस कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई कर सकते हैं, देखिए एन डैन, एन शायद, ए गफूर,
एस अरुल और यहाँ पर एंटवान एच काजी। दोस्तों ये छः प्लेयर्स जो है ना ये आपके लिए ग्रैंड लीग पर भी बहुत ही अच्छा चॉइस रहने वाला है, जो रिस्की कैप्टन से वास्तव में चॉइस में। फिलहाल दोस्तों ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम्स के लिए आप अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। और दोस्तों अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।